କୃଷ୍ଣ ବାୟୋଲୋଜି ତ ଆଜି ଆମେ ଡିସକସ୍ କରିବା ଫ୍ଲୋଏମ୍ ଲୋଡିଂ ଏବଂ ଫ୍ଲୋଏମ୍ ଅନଲୋଡିଂ ବାବଦରେ ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ଟପିକ୍ ଫ୍ଲୋଏମ୍ ଲୋଡିଂ ଏବଂ ଅନଲୋଡିଂ ବାବଦରେ प्लांट केस रे फ्लुएम ट्रांसपोर्ट मेनली रिक्वायर फॉर ग्रोथ स्टोरेज प्रोसेसेस तेणु टेरेस्ट्रियल प्लांट केस रे फ्लुएम ट्रांसपोर्ट मेनली रेस्पोन्सिबल तेणु फ्लुएम ट्रांसपोर्ट हाँपी गोटे जगह लोड हवा दरकार बिकज देर आर सोर्स देर आर सिंक तेणु गोटे जगह लोड है आ गए जगह अनलोड हवा दरकार तेणु फ्लुएम ट्रांसपोर्ट निहाती दरकार जो फ्लुएम ट्रांसपोर्ट हाँपी हेले फ्लुएम लोडिंग एवं फ्लुएम अनलोडिंग होता दरकार तेणु ये फ्लुएम लोडिंग हो बा अनलोडिंग हो जदि आम ये फ्लुएम लोडिंग कथा कह 90% प्लांट जब बायोमास देखा बायोमास 90% ट्रांसपोर्टेड जो फ्लुएम लोडिंग है जो ट्रांसपोर्टेड हुए जे सुगर नाइट्रोजेनस कंपाउंड इन बल्क फ्लो अफ सल्यूशन लार्ज अमाउंट कौन हुए ना सुगर नाइट्रोजेनस कंपाउंड सब सल्यूशन आकार ट्रांसपोर्टेड होता है एंड इज प्रोपेल्ड थ्रू द फ्लुएम बाय ऑस्मोटिकली जनरेटेड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिफरेंसेस बिटवीन सोर्स एंड सिंक एंड्स ऑफ द फ्लुएम पाथ तेणु जो फ्लुएम ट्रांसपोर्टिंग पाथ रे गोटे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑस्मोटिकली जनरेटेड हूँ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बिटवीन द तुम सोर्स एंड सिंक जोटा कि कौन कर फ्लुएम ट्रांसपोर्ट से साय कर तेणु सोर्स ऑफ लोडिंग जोटि की तुम लिफ जो जगार तैयारी हो फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट डेवलप हो दैट इज सोर्स लोडिंग एंड सिंक अनलोडिंग जो रिक्वायर हो सुगर्स अदर सल्यूट्स एंड पोटासीयम विशेष करके पोटासीयम ये केस लार्जली अकाउंट फॉर फ्लुएम सेफ ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन एंड हेन्स प्रेशर डिफरेंसेस ये प्रेशर डिफरेंसेस बा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बा ऑस्मोटिकली जनरेटेड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को भाई क्रिएट हुए ना परवर्त समय मेकानिजम तो पढ़ा फ्लुएम लोडिंग तेणु आम ये कहे पोटासीयम आयन विशेष करके रेगुलेट करते हैं फ्लुएम सेफ ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन क्रिएट करे जोटा कि तुम प्रेशर डिफरेंसेस क्रिएट होता है बाय द बाय फ्लुएम ट्रांसपोर्ट होता है सोर्स टू सिंक तेणु ये फ्लुएम लोडिंग डेफिनेशन बाबद जी आम कह फ्लुएम लोडिंग कौन ना प्रोसेस जो प्रोसेस कौन हुए ना फोटोसिंथेटिस मेनली सुगर्स जो फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट डेवलप हुए विशेष करके सुगर आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द सोर्स सेल्स दैट इज मेसोफिल सेल ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम सोर्स सेल क्लोज टू द सीव एलिमेंट्स कौन हुए ना जो सोर्स सेल जो सेलटा थी कौटी ना सीव एलिमेंट को पूरा लगे थी तो से सीव एलिमेंट को कौन हम ना प्रथम जो फ्लुएम रो फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट बा सुगर लोडिंग हुए तो ताको कौन कहुए ना फ्लुएम लोडिंग बोलिक कहुए तो ताको कौन कहुए ना फ्लुएम लोडिंग तो द प्रोसेस इन व्हिच फोटोसिंथेटिस मेनली सुगर्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द सोर्स सेल्स क्लोज टू द सीव एलिमेंट्स ऑफ द लीफ इज कॉल्ड फ्लुएम लोडिंग तेणु मनकर ये सोर्स सेल एपट मनकर सिंक सेल तो जहाँ भी ना कहीं तो सोर्स सेल को लग जो सीप ट्यूब थी से सीप ट्यूब सुगर टा कौन हम ना लोड हम ट्रांसपोर्टेड हम तो सहीटा को फ्लुएम लोडिंग कही था तो मोस्ट ऑफ द फ्लुएम लोडिंग अकर्स इन अ माइनर लीफ वेन्स माइनर लीफ वेन रे ही लोड होता है जे आम कह प्लांट लार्ज फ्लुएम सीप ट्यूब सीप एलिमेंट्स रही है लोड हुए ना बरम सेल पाखरे थिबा जो सीप एलिमेंट रहिथे तो तारी पाखरे ही विशेष करके फ्लुएम लोड हेथे तो मोस्ट ऑफ द फ्लुएम लोडिंग अकर्स इन द माइनर लीफ वेन्स लीफ रो जो माइनर वेन सब रहिथे इवन ऑफ मिडरी भी जो मेन वेन रहिथे से केस रे भी एतटा हुए नि बरम माइनर वेन सब जो रहिथे सेल पाखा पाकी जो सीप एलिमेंट्स रहिथे तो चारि पाखे ही कौन हुए ना फ्लुएम लोडिंग होता है तो ये आम देख लें फ्लुएम लोडिंग व्हाट इज फ्लुएम लोडिंग आम देखले बर्तमान व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द फ्लुएम लोडिंग एंड व्हाट आर को मेकानिजम प्रोसेस रे फ्लुएम लोडिंग होता है ताकू देखा आसन।
তো ফিচার্স অফ ফ্লেম লোডিং বাবদ যদি কহবা যে দের আর টু মনকর আমি কহবা যদি প্রায়ত দুই প্রকার লিপ রয়েছে, গোটে রেটিকুলেটেড রেটিকুলেট ভেনেসন বালা আর গোটে প্যারালাল ভেনেসন বালা লিপ রয়েছে। তেমন যেটা রেটিকুলেট ভেনেসন লিপ রয়েছে, দ্য স্মলেস্ট ভেন হ্যাভিং দ্য স্টার্টিং অফ সিভ এলিমেন্টস এক্সিবিট একুমুলেশন অফ ফটোসিনথেটিক্স ফ্রম দ্য মেজোফিল সেল। তেমন যেটা পুরো মাইনর লিফ রয়েছে বা স্মলেস্ট ভেন রয়েছে, তো সেইথিরে হি প্রথমে কোন হচ্ছে না ই রেটিকুলেট লিফ, তো এথিরে যেটা পুরো স্মলেস্ট ভেন হইতিব যেটা কি তোমার সিভ এলিমেন্ট হ্যাভিং দ্য স্টার্টিং অফ সিভ এলিমেন্টস, তেমন সেইথিরে হি কোন হব না ফ্লুয়েম লোডিং হইতে রেটিকুলেট ভেনেসন লিফ কেসে। যদি প্যারালাল ভেনেসন হইতিব যেটা কি ট্রান্সভার্স সেকশন বা ট্রান্সভার্স কানেক্টিং থিব সেল সহিত মেজোফিল সেল সহিত, তাহলে দিয়ে কোন হব না কানেক্ট হতো। দ্য লিপস উইথ প্যারালাল ভেনেশন দ্য ভেরি স্মল ট্রান্সভার্স কানেক্টিং ভেন্স ইন বিটুইন পেয়ার্স অফ লার্জ ভেন্স আর লোডেড ফার্স্ট উইথ দ্য ফটোসিনথেটিক্স অ্যান্ড লঙ্গিটুডিনালি ট্রান্সপ্লোকেশন অকার্স থ্রু দ্য লার্জ ভেন্স। তেমন মনে করো ইয়ে সেল অছি, ই সেল মনে করো ইয়ে প্যারালাল ভেন ঠার ইয়ে মনে করো গোটে ট্রান্সভার্স সেকশন হয়েছি বা ট্রান্সভার্স হয়েছি গোটে আউট অফ ভেন, তো সেই ট্রান্সভার্স ভেনরে প্রথমে লোড হব, দেন যাব সে প্যারালাল ভেন যেটা কি লঙ্গিটুডিনাল ভেন কু যাব, বাই দ্য ওয়ে তোমার সে ট্রান্সপোর্টেড হয়ে থাকে। তেমন দ্য ফটোসিনথেটিস হ্যাভ টু পাস থ্রু ফিউ সেলস অর নো সেলস, কিছু সেল কু ডাইরেক্টলি যাই থাকে ফটোসিনথেটিস বা কিছু সেল কু বি যায় নি, তেমন টু রিচ মাইনর লিফ ভেন্স দ তো মনে করো এই যে মাইনর ভেন কু যদি পাখাপাখি সেল থিব তাহলে ডাইরেক্টলি মাইনর ভেন কু লোড হয়ে যাব, কিন্তু যদি পাখাপাখি নথিব তাহলে সে সেল রু আউ গোটে সেল কু যাব আউ গোটে সেল কু যাব, দেন তোমার মাইনর ভেন কেসরে লোড হব। তেমন যদি আমি কহবা যে ডিস্টান্স কথা যদি আমি কহবা, দ্য ডিস্টান্স বিটুইন সোর্স সেল অ্যান্ড দ্য সিভ এলিমেন্টস অফ দ্য লিফ ইজ নট মোর দেন 100 মাইক্রোমিটার, তেমন 100 মাইক্রোমিটার রু অধিকা হয়েগলে তো সে কেসরে ফ্লুয়েম যে ট্রান্সপোর্টিং যে হচ্ছে সে কেসরে মানে লোডেডটা আর হয়েপারিব না, সেল আর সিভ এলিমেন্টস ভিতরে যদি 100 মাইক্রোমিটার কম ডিস্টান্স রহব তাহলে ইজিলি লোড হয়েপারিব। তেমন আমি কহিপারিব যে দের আর টু রুটস ফর দ্য ফটোসিনথেটিক ট্রাফিক ফর দিস শর্ট ডিস্টান্সেস, দ্যাট ইজ ওয়ান ইজ দ্য আপোপ্লাস্টিক অ্যান্ড আদার ইজ দ্য সিমপ্লাস্টিক, মানে দ্য আপোপ্লাস্টিক নাদার ইজ দ্য সিমপ্লাস্টিক। আপোপ্লাস্টিক তো আমি জানিছো যে ডেড সেল ওয়াল থ্রু রে যদি মানে আউটসাইড দ্য প্রোটোপ্লাস্ট ডেড সেল ওয়াল থ্রু রে যদি ট্রান্সপোর্টেড হুয়ে দ্যাট ইজ আপোপ্লাস্টিক কন্ডিশন, এবং সিমপ্লাস্টিক কন্ডিশন কোন না যদি লিভিং প্রোটোপ্লাজম থ্রু রে প্লাজমোডেসমাটা সেল থ্রু রে সেল টু সেল যাব তাহলে সেটা আমি কোন কো না সিমপ্লাস্টিক বলে কি আমি কহবা। যে আপোপ্লাস্টিক কন্ডিশন যে কেসে যদি আমি দেখিবা যে মেজোফিল সেল র যে লাগি মেজোফিল সেল যে রয়েছে মাইনর ভেন কু যে লাগিকি রয়েছে, তো সেই কেসরে কোন হুয়ে না প্রথমে ডাইরেক্টলি মেজোফিল সেল রু মাইনর ভেন কু অবজর্ভ হয়ে যায়, দেন অ্যাক্টিভলি অবজর্ভ হয়ে তোমার কম্পানিয়ন সেল এবং কম্পানিয়ন সেল রু সিভ এলিমেন্ট কু যাই থাকে। কিন্তু সিমপ্লাস্টিক কন্ডিশন রে কোন হুয়ে না কম্পানিয়ন সেল রে কোন হুয়ে না ডাইরেক্টলি ফটোসিনথেসিস লোড হুয়ে, এবং সেই যে কম্পানিয়ন সেলটা হচ্ছে লিভিং সেল, তেমন প্রথমে কোন হুয়ে না মেজোফিল সেল কম্পানিয়ন সেল কু ডাইরেক্টলি প্লাজমোডেসমাটা থ্রু রে লোড হেলা এবং সে কম্পানিয়ন সেল রু সিভ এলিমেন্ট কু গলে। তেমন দের আর টু রুটস বলে কি আমি কইপারি তাহলে ফ্লুয়েম লোডিং হুয়ে দ্যাট ইজ আপোপ্লাস্টিক অ্যান্ড সিমপ্লাস্টিক কন্ডিশন। তেমন আপোপ্লাস্টিক কন্ডিশন যে কোথলি মেজোফিল সেল দেন মাইনর সেল কু যাচ্ছি দেন মাইনর সেল রু কম্পানিয়ন সেল দেন বাই দ্য বাই সিভ এলিমেন্টস, কিন্তু সিমপ্লাস্টিক কন্ডিশনে কোন হচ্ছে না ডাইরেক্টলি মেজোফিল সেল রু কম্পানিয়ন সেল কু যাচ্ছি এন্ড বাই দ্য বাই সিভ এলিমেন্টস কু যাচ্ছি। তেমন এই যে ফ্লো অফ সুগার ফ্রম দ্য মেজোফিল সেলস ইন টু দ্য আপোপ্লাস্ট অ্যান্ড সবসিকুয়েন্ট লোডিং অফ কম্পানিয়ন সেল অ্যান্ড দেন টু সিভ এলিমেন্টস আর অ্যাক্টিভ প্রসেস অ্যান্ড ইনভলভ ইয়ে কো ট্রান্সপোর্ট সিস্টম, তো এটি ইউজ হুয়ে কোন না কো ট্রান্সপোর্ট সিস্টম, সে ডাইরেক্টলি কেবে লোড হয়েপারবনি যে ফটোসিনথেটিক প্রডক্ট গুড়াক, তেমন ইট ইজ রিকোয়ার ই কো ট্রান্সপোর্ট সিস্টম, তো সেই কো ট্রান্সপোর্ট সিস্টম কোন দেখিবাস ইন দ্য কো ট্রান্সপোর্ট সিস্টম প্রোটনস আর পম্পড আউটসাইড বাই দ্য অ্যাক্টিভিটি অফ দ্য এনজাইম এটিপেজ ইন এক্সচেঞ্জ অফ কে প্লাস আয়ন দ্যাট মুভ
in the opposite direction to maintain the electrical neutrality. So therefore K plus is universally present in ship elements and in its exudates. So it is basically ion jo role play kare potassium ion abang hydrogen ion. Hydrogen ion outside ku jae ta bodale potassium ion ase. जोड़ा कि कौन करे ना हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्रिएट करते हैं ऑस्मोटिकली कंसंट्रेशन क्रिएट करते हैं जो ऑस्मोटिकल कंसंट्रेशन कौन करे ना जो फ्लेम रे जो लोडिंग सहित ट्रांसपोर्टिंग रे भी मध्य सहाय्य करते हैं फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट जो ट्रांसपोर्टिंग सहित हमारे लोडिंग लोडिंग हवा सहित ट्रांसपोर्टिंग रे मध्य सहाय्य करते हैं तेणु ये को ट्रांसपोर्ट सिस्टम को देखा आस बर्तन तेणु को ट्रांसपोर्ट सिस्टम बाबद जी कह डायग्रामेटिकली आम रिप्रेजेंट कर फ्लेम लोडिंग किपरि हो एक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू सीव एलिमेंट्स तेणु यहाँ मन कर तुम प्लाज्मा मेम्ब्रेन टोटल प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो ये बिलो प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिखाई तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब आम कह दिस इज सीव एलिमेंट तेणु ये सीव एलिमेंट रो रही तुम इनसाइड सीव एलिमेंट ये इनसाइड साइड आउटसाइड तेणु आउटसाइड ऑफ द सीव एलिमेंट दिस इज द इनसाइड ऑफ द सीव एलिमेंट्स तेणु बर्तमान जो आउटसाइड मैंने मेजोफिल सेल ही बर्तमान फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट सब डेवलप हो जाए तेणु ये ही सुक्रोज अवेलेबल दैट इज द सोर्स तेणु प्रथम कौन हुए ना देर आर को ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम कैरियर सब रही था तेणु सी फॉर कैरियर एस सी फॉर सुक्रोज कैरियर कॉम्प्लेक्स एवं एस सी एच फॉर रिड्यूस्ड सुक्रोज कैरियर कॉम्प्लेक्स तेणु सी फॉर कैरियर एस सी फॉर सुक्रोज कैरियर कॉम्प्लेक्स एवं एस सी एच फॉर रिड्यूस्ड सुक्रोज कैरियर कॉम्प्लेक्स तो बर्तमान जो हाइड्रोजन बर्तमान ये जो आउटसाइड ऑफ द सीव एलिमेंट्स कैरियर प्रथम कौन कला ना सुक्रोज एक्सेप्ट कला जोटा कि सुक्रोज कैरियर कॉम्प्लेक्स डेवलप है तो ये सुक्रोज कैरियर कॉम्प्लेक्स फर्दर हाइड्रोजन आयन रिसीव करके रिड्यूस्ड हैला एवं ताको हम कोन कहू छन रिड्यूस्ड सुक्रोज कैरियर कॉम्प्लेक्स तो बर्तमान ये रिड्यूस्ड सुक्रोज कैरियर कॉम्प्लेक्स फर्दर कौन करिवो ना इनसाइड द सीव एलिमेंट्स कौन करिवो ना सीव रिलीज करिवो हाइड्रोजन आयन देन फर्दर सुक्रोज कैरियर कॉम्प्लेक्स रु बर्तमान सुक्रोज टा ट्रांसपोर्टेड होबो कोठी कि ना इनसाइड द सीव एलिमेंट्स बाय द वे बर्तमान कैरियर फ्री हेला पुणे दैट इज द साइक्लिक प्रोसेस चलतो किंतु बर्तमान जो हाइड्रोजन आयन जो बारंबार आसुवा जो ये केस कौन हो हाइड्रोजन कनसेंट्रेसन बढ़ी जाए हाइड्रोजन आयन कनसेंट्रेसन कम हो तेणु इलेक्ट्रिकली बालान्स करने एटीपीएस कौन करे ना एक्टिवली एक्टिवली मीन्स एटीपी यूज करके कौन करे ना हाइड्रोजन आयन को एपटक आने एवं बाय द वे ता बदले जाए कौन ना पोटासियम आयन जाए जोटा कि तुम कौन करे ना हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्रिएट करिवारे साहय करे जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्रिएट हवा द्वारा ये सुक्रोजटा कौन हुए ना इजिली ट्रांसपोर्ट हो पारे टू द सोर्स ये सिंक को तेणु ये सोर्स लोड है बाय द वे ट्रांसपोर्ट हो पारि था इजिली तेणु ये जो इनसाइड एवं आउटसाइड रे कथा हमें कहले तेणु देयर इज ए को ट्रांसपोर्ट सिस्टम जोटा कि कैरियर कौन कर सुक्रोज नौचे देन रिड्यूस होड्यूस है फर्दर हाइड्रोजन आयन रिमूव करेन सुक्रोज जाऊँच देन सुक्रोज बर्तमान हाइड्रोजन आयन आउटसाइड द सीव एलिमेंट को आसे पोटासीयम आयन जाऊँ पोटासीयम आयन हाइड्रोस्टेटिक प्रेसर अस्मेटिकली कनसनट्रेसन क्रिएट हवा द्वारा सुक्रोज ट्रांसपोर्ट है तेणु ये गोटे सेल ये गोटे सेल तेणु ये प्रत्येक सेल रे ये प्रकार प्रथा मानकर आम कह पाख सेल ट्रैक सीव एलिमेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन सीव एलिमेंट को लगे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो प्रत्येक स्टेप बाय स्टेप जो जो जगह लोड हवा कथा से अनुसार लोड हो तेणु ये गोटे जगह लोड हो गोटे जगह लोड हो तेणु ये है तुम फ्लुएम लोडिंग बाबद नेक्स्ट देखा आम फ्लुएम अनलोडिंग बाबद फ्लुएम अनलोडिंग बाबद कह द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सुगर्स फ्रॉम द सीव एलिमेंट टू द सेल्स ऑफ द सिंक दैट स्टोर और मेटाबोलाइज देम इज कॉल्ड फ्लुएम अनलोडिंग तेणु जो प्रोसेस रे कौन हुए ना सुगर मूवमेंट होता है फ्रॉम सीव एलिमेंट टू द सिंक सिंक जो जगह रिक्वायरमेंट हुए सीव एलिमेंट रे आसला बाकी सीव एलिमेंट रु बर्तमान सिंक को अनलोडिंग हम तो ये प्रोसेस को आम कौन को ना अनलोडिंग फ्लुएम अनलोडिंग कही था बर्तमान फ्लुएम लोड ही जो लोड है फ्लुएम लोडिंग जो जगह फ्लुएम
मेसिंग को गला दैट इज फ्रेम अनलोडिंग बोली के हमें कहबा तो ये अनलोडिंग होची फॉर स्टोरेज फॉर मेटाबॉलिक प्रोसेस तो सी प्रोसेस को हमें कौन कहबा ना फ्रेम अनलोडिंग बोली कहबा तो ये फ्रेम अनलोडिंग प्रोसेस इन द सिंक इज जस्ट द रिवर्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ लोडिंग एट द सोर्स साइड जेमिति तमरो हमें देखिले जे फ्लेम लोडिंग केस रे जो सोर्स थ्रू जमी लोड हेला सीव एलिमेंट्स को ए केस रे तार उल्टाटा रिवर्स प्रोसेस दैट इज सीव एलिमेंट रु कोन होचे ना सोर्स को लोड होचे सॉरी सीव एलिमेंट्स रु तमरो सी को अनलोड होचे तो दिस द रिवर्स प्रोसेस ऑफ फ्लेम लोडिंग प्रोसेसेस तो ट्रांसपोर्ट ऑफ शुगर इनटू द सिंक सिंक के ना रूट टीबोर्ड्स राइजोम्स ग्रोइंग बोर्ड्स फ्लोरल स्ट्रक्चर एउडा को हम कोन को ना सिंक एवं एज अ टर्म एज अ इंपोर्ट बोली कि मध्य कोआ जाय इंपोर्ट तो मु दिस सिंक ऑर्गन्स को मध्य हम कोन को ना इंपोर्टर्स बिकॉज दे रिक्वायर द फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट तो सिमती हम यदि एको यदि इंपोर्टर कहले जे सोर्स ऑर्गन ताको हम कोन कहबा एक्सपोर्टर बोली कि कहबा तो लाइकवाइज द सोर्स ऑर्गन्स आर कॉल्ड एक्सपोर्टर्स तो ये जो फ्लेम अनलोडिंग प्रोसेस जी कथा कह इट इज तीन टा इवेंट्स है प्रथम अनलोडिंग ऑफ सुगर देन शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट देन स्टोरेज एंड मेटाबॉलिज्म तेणु अनलोडिंग प्रथम हम सुगर जो आसला सी एलिमेंट्स से अनलोडिंग हम देन किसी बाट शॉर्ट डिस्टेंस बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है बाय द वे जो जगह रे रहबा कथा बा जो जगह रे स्टोर होबा कथा बा मेटाबॉलिक प्रोसेस होबा कथा से सब हेथे तो प्रथम इवेंट्स रे कथा जदी हम कहबा जो अनलोडिंग ऑफ सुगर्स फ्रॉम द सीव एलिमेंट्स इंपोर्टेड सुगर्स आर अनलोडेड फर्स्ट इन द सिंक तो जो सीव एलिमेंट्स रे आस्थिला सुगर से प्रथमे अनलोडेड हुए सिंक रे देन शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट आफ्टर अनलोडिंग फ्रॉम द सीव एलिमेंट्स The sugars are translocated to the sink cell through a short distance transport pathway. This is also known as post sieve element transport. So, sieve element is transport hai gaya chila, unloaded hela, tapre kichhi bata puni transport hue. Tenu taku ami jehetu eta transport fluem transport pore jai ke hoche, ten pen taku ami kon kouche na post sieve element transport bole ke ami kouche. Then third step or third event is storage and metabolism. In the final event, the sugars are stored or metabolized in the cells of the sink. Either it is stored here or metabolism here. So, these above three steps, which I have seen, these three steps which are in the flow unloading case, तो ये प्रकार कंडीशन जो अनलोडिंग होची मे बी ऑकर भाया आइदर तुम्हारे सिम्प्लास्टिक कंडीशन हो पारे और मे बी अपोप्लास्टिक कंडीशन हो पारे जमी फ्लोएम लोडिंग केस रे जमी देखिले सिम्प्लास्टिक अपोप्लास्टिक रूट तो ये केस रे भी सेमती सिम्प्लास्टिक अपोप्लास्टिक रूट रे अनलोडिंग होता है तो इन केस ऑफ अपोप्लास्टिक अनलोडिंग प्रोसेस द फोटोसिंथेसिस मे बी पार्टली मेटाबोलाइज्ड इन द अपोप्लास्ट और मे बी अनचेंज्ड while entering the sink cell to ye case re maybe tumara ki mane kon partly changes fully changes hue nahi ba metabolize hue nahi ebam change bhi madhya kon fully change hue nahi ba may not be changed or maybe unchanged while entering the sink cell to ye bishesh kari ki tumara jo developing seed jo develop hue se case re bishesh kari ki dekha jae kahi ki na semanok case re simplistic condition root na thae तेणु से केस रे अपोप्लास्टिक कंडीशन देखा जाए जो सीड गुड़ाक डेवलपिंग फॉर्म रे थाए तो सी मान केस रे देखा दे थे तापरे नेक्स्ट जदि हमें कहबा जे सिम्प्लास्टिक अनलोडिंग केस जदि हमें कहबा जे सिम्प्लास्टिक अनलोडिंग केस टा विशेष करी के तमरो जो रूट स्टोरेज रूट राइजोम्स ट्यूबर्स ए मानक केस रे विशेष करी के देखा जाय थे ते केस रे स्टार्च एवं प्रोटीन बा जो सुगर आसीला से सुगर मर्तन कोन हुए ना सुक्रोज जो आसीला से स्टार्च एवं प्रोटीन मॉलिक्यूल साकार रे स्टोर हुए तो ये हला तमरो सिम्प्लास्टिक रूट थ्रो रे तनो जो फ्लोएम अनलोडिंग हो कि लोडिंग हो तो मे बी दीटा रूट रे एस्पेरे आइदर सिम्प्लास्टिक कंडीशन दैट इज लिविंग कंडीशन एंड अपोप्लास्टिक रूट बा अपोप्लास्टिक कंडीशन जे हम कहबा दैट इज नॉन लिविंग बा तमने नॉन लिविंग पाथवे बा रूट को
कौन करते हैं ना रूट थ्रो रे आसी थाए। तो एट लास्ट आम कहवा जे फ्लुएम अनलेडेड सुगर्स आर अल्सो यूज एज ए सबस्ट्रेट्स फॉर रेस्पिरेशन सबस्ट्रेट आकार यूज हुए रेस्पिरेशन और मे बी मेटाबोलाइज्ड इनटू स्टोरेज पॉलीमर्स और अदर कंपाउंड्स रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट। तेणु जो सुक्रोज दे केवल आमर जो सुगार जो आसला से सुगार केवल जे स्टोर होगी रुहे तार भी कौन मानने केवल स्टोर होगी रुहे बर किसी केस रिक्वेयर होता है फर रेस्पिरेसन किसी केस मेटाबोलाइज होता है फर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्लांटर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिक्वेयर होता है। तो डिफरेंट मेटाबोलिज जमी मन कर सुक्रोज आसला तो सी सुक्रोजा स्टार्ट थे कनवर्ट हो स्टोर हो मनकर सेलुलोज को कन्वर्ट हवा दरकार तेनाली सेलुलोज हेल्ले प्लांटर सेलवाल इत्यादि सब डेवलप हो डिफरेंट पॉलीमर को स्टोरेज पॉलीमर हो डिफरेंट बिलिंग कंपोनेंट हो तो ये सब तेने प्लांटर ग्रोथ और डेवलपमेंट रिक्वेयर भी होता है। तेणु ई केस कह सिंक जो मानने एलिमेंट आसला सुक्रोज आसला से सुक्रोज जदि कम रेट्रे यूज कर मे बी अनलोडिंग प्रेसर पकेब तेणु सुक्रोज कंसेंट्रेशन जिते डिक्रीज हे सी अनुसार हेल्प कर तुम सुक्रोज जो सुगार अनलोडिंग प्रोसेसटा को सी हेल्प कर एक्सेलरेट कर सुक्रोज कंसेंट्रेशन जदि हाई रहिबो सिंक सेल केस अनलोडिंग कौन हम कम हम कि सुक्रोज कंसेंट्रेशन जदि ग्रेजुअल डिक्रीज सुगार अनलोडिंग प्रोसेसटा एक्सेलरेट हम तेणु सुक्रोज कंसेंट्रेशन इज डिक्रीज इन द सिंक सेल विच हेल्प्स इन मेंटेनिंग ए कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर सब्सिक्वेंट सुगर अनलोडिंग तेणु डे बाय डे कौन हो सुगर अनलोडिंग हो तेणु से अनुसार भी प्लांट सेल यूज करा दरकार जदि यूज न हो तेल सुगर कंसेंट्रेशन ग्रेजुअली हाई हे और जो अनलोडिंग प्रोसेसटा कौन हम ना डिक्रीज हम अनलोडिंग प्रोसेसटा ग्रेजुअली सप्रेस्ड हो तेणु इन दिस प्रोसेस मेटाबोलिक एनर्जी इज नीडेड इन सिंक सेल्स फ्रॉम रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिज्म फॉर बायोसिंथेटिक रिएक्शंस तेणु रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिज्म सहित बायोसिंथेटिक रिएक्शन जो मेटाबॉलिक एनर्जी रिक्वायर हुए तो ये सिंक सेल रु ही आए तमें जो अमर जो सुगर आसला से सुगर मेटाबॉलाइज्ड हुए रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिज्म होता है जोटा कि एनर्जी प्रोवाइड करते फॉर सब्सिक्वेंट सुगर अनलोडिंग प्रोसेस को। सो थैंक यू फॉर वाचिंग टिल द एंड। Please subscribe, like, and share.